हेलो बच्चों, हेलो। तो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी सी कहानी सुनेंगे, ठीक है? कौन सी कहानी सुनेंगे? बतख और चूजा, बतख और चूजे की कहानी सुनेंगे। और ये है हमारे बतख और चूजा। कनक हमारी बतख का रोल प्ले करेगी और ओजस क्या बनेगा? चूजा। क्या बनेगा? चूजा, चूहा नहीं, चूजा, मुर्गी का बच्चा। ठीक है, तो रेडी? और मेरे साथ साथ सारे बच्चे कहानी को दोहराएंगे और कनक और ओजस उसको एक्ट करके भी दिखाएंगे, ठीक है? अंडे में से बतख का बच्चा निकला, लो में आ गया। बतख का बच्चा बोला, एक और अंडे में से मुर्गी का बच्चा निकला, मैं भी आ गया। ओजस बोलिए, मैं भी आ गया। वेरी गुड। मैं घूमने जा रहा हूँ, बतख का बच्चा बोला, मैं भी घूमने चलूंगा। क्या बोला मुर्गी के बच्चे ने? क्या बोला? मैं भी घूमने चलूंगा। चूजा बोला, मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला, वेरी गुड, मैं भी गड्ढा खोदूंगा। चूजा बोला, तो चूजे ने क्या बोला? बच्चों बताइए पीछे, मैं भी गड्ढा खोदूंगा। वेरी गुड। मैं तैरना चाहता हूँ। सारे बच्चे पीछे से एक्शन करके दिखाएंगे, मैं तैरना चाहता हूँ। बतख का बच्चा बोला, मैं भी तैरूंगा। बोलिए ओजस, मैं भी तैरूंगा। चूजा बोला, देखो मैं तैर रहा हूँ। बतख का बच्चा बोला, देखो मैं भी। बोलिए, देखो मैं भी। चूजा बोला, बचाओ बचाओ। हाँ, अचानक चूजा चिल्लाया। चूजे ने क्या चिल्लाया? बचाओ। बतख के बच्चे ने डूबते चूजे को पानी से बाहर निकाला। अब बोलो, क्या बोलूं? चूजा बोला। वेरी गुड। तो देखा आपने कि एक अंडे से क्या निकलता है? पहले बतख का बच्चा और दूसरे अंडे से मुर्गी का चूजा निकलता है, ठीक है? फिर दोनों में दोस्ती हो जाती है और बतख का बच्चा घूमने जाता है, चूजा भी उसके साथ जाता है। जो भी बतख का बच्चा करता है, बस चूजे को वही करना होता है। आपने क्या सीखा इस कहानी से? कि हमें कभी भी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। ध्यान दीजिए सारे बच्चे, हमने क्या सीखा? हमें कभी भी किसी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। क्योंकि देखो, बतख का बच्चा जो भी कर रहा था, क्या वो सब कुछ चूजा कर सकता था? नहीं, मगर चूजे को सब करना था। जो भी बतख कर रही थी, वो चूजा को करना था। तो घूमने दोनों साथ गए, उसने कहा मैं घूमने जाऊंगा, तो चूजा भी घूमने गया। फिर बतख ने कहा मैं गड्ढा खोदूंगा, तो चूजे ने भी कहा मैं भी गड्ढा खोदूंगा, ठीक है? फिर बतख कहता है मुझे केचुआ मिला, तो चूजा कहता है मुझे भी केचुआ मिला, है ना? फिर बतख क्या कहता है? मैं तैरने जा रहा हूँ। तो बतख देखो पानी में तैर लेती है ना? लेकिन मुर्गी का चूजा पानी में तैर नहीं पाता है। लेकिन चूजे को, क्योंकि जो बतख कर रही थी वही करना था, तो चूजा भी तैरने के लिए साथ चला गया। पर क्या हुआ? क्या चूजा तैर पाया? क्या हुआ? वो पानी में डूबने लगा। और फिर चूजे को किसने बचाया? किसने बचाया? किसने बचाया बताइए अलीना?
बत्तख के बच्चे ने बताया, बचा लिया उसको, ठीक है। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसा संभव हो सकता है कि हमें कोई बचाने वाला ना हो, इसलिए हमें कभी भी दूसरों को देख करके कुछ भी बिना सोचे समझे कभी भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चों को स्टोरी समझ में आ गई? yeah.